हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और आज हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों में हमको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स को भी कर चुके थे, आइए आगे की कक्षा में आगे देखते हैं। रैखिक समीकरण के हल, तो किस प्रकार हम रैखिक समीकरण के हल को निकालते हैं, आइए इस कक्षा में पढ़ते हैं रैखिक समीकरण के हल के बारे में। आपने देखा है कि एक चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है, कुछ अलग टाइप से आपका हल होता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के हल के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्योंकि समीकरण में दो चर हैं, इसलिए हल का अर्थ होता है एक्स तथा वाई के उन मानों का युग्म जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं। आइए हम समीकरण 2x + 3y = 12 लें। अब हमने क्या ले लिया, 2x + 3y + 12 लिया। यहाँ हमने क्या माना, x = 3, y 2 का एक हल है, क्योंकि जब हम ऊपर के समीकरण x = 3 y = 2 प्रतिस्थापित करते हैं तब हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है आपको, 2x + 3y आपका लिखा हुआ था, तो आपने क्या बना लिया, 2 × 3 + 3 × 2, तो क्या आपके 12 आ गया। तो हमारे यही समीकरण बने 2 × 3 + 3 × 2, तो क्या आ गया आपका 12 आ गया। इस हल को एक क्रमिक युग्म 3 2 के रूप में लिखा जाता है, जिसमें पहले x का और उसके बाद y का मान लिखा जाता है। इसी प्रकार 0 4 4 भी ऊपर दिए गए समीकरण का एक हल है। इतना आपको समझ में आया क्या है, एक समीकरण का हल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिया है उदाहरण नंबर आपको 3, समीकरण x + 2y = 6 के चर क्या है, चर अलग अलग ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इनके चरों को अलग अलग ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, हम इनके चर को अलग अलग ज्ञात कीजिए, के चर को अलग अलग ज्ञात कीजिए। अब देखिए हल देख लेते हैं, देखने पर x = 2 y = 2 एक हल है, इस क्योंकि x = y = 2 अब क्या है, x + 2y = 2 + 6, ये आपका क्या आ गया, 2 + 4 = 6 आ गया आपका यहाँ पर। तो आइए हम x = 0 लें, x के इस मान पर दिया हुआ समीकरण 2y = 6 हो जाता है, जिसका कि एक अद्वितीय हल है y = 3 होता है। अतः x = 0 y = 3, तो क्या हो गया, x + 2y = 6 का एक हल है। इसी प्रकार y = 0 लेने पर दिया हुआ समीकरण x = 6 हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, x 6 हो गया, अतः x = 6 y = 0 भी x + 2y = 6 का एक हल है। अतः आइए हम y = 1 लें, अब दिया हुआ समीकरण x + 2 = 6 हो जाता है, इसका हल x = 4 है, इसलिए 4,1 भी दिए हुए समीकरण का एक हल है। अतः दिए हुए समीकरण के अपरिमित रूप के अनेक हलों को के चार हल दिए गए हैं। आपका क्या दिया है, 2 और 2 दिया गया है आपको, 3,0,3, 6,0 और 4,1 आपको दिया गया है। तो चार अलग अलग आपके इसके हल निकले हैं, इसी प्रकार हमने इसको निकाला है। आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 4, निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के दो दो हल ज्ञात कीजिए। अब देखिए नंबर 1 क्या दिया हुआ है, 4x + 3y = 12, सेकेंड क्या दिया हुआ है, 2x + 5y = 0, थर्ड क्या दिया हुआ है, 3y + 4 = 0। अब हल 1 क्या दिया हुआ है, x = 0 लेने पर हमें 3y = 12 अर्थात y = 4 प्राप्त होता है। अतः 0 4 भी दिए हुए समीकरण का एक हल है। इसी प्रकार y = 0 लेने पर हमें x = 3 प्राप्त होता है, इस तरह 3 0 भी एक हल है। अब सेकंड क्या है, x = 0 लेने पर 5y = 0 अर्थात y = 0 प्राप्त होता है, इसलिए
जीरो जीरो दिए हुए समीकरण का एक हल है। अतः यदि हम वाई इजिकल टू जीरो लें तो हमें एक हल के रूप में पुनः जीरो जीरो प्राप्त होता है, जो कि वही है जिसमें हमने पहले प्राप्त किया था। तो हमने पहले भी जीरो जीरो को प्राप्त किया था, और एक अन्य हल प्राप्त करने के लिए हमें x इजिकल टू वन लीजिए। अब हमने x इजिकल टू वन ले लेते हैं यहाँ पर, तो हम देखते हैं, क्या देख सकते हैं कि y का संगत मान आपका क्या आ गया, 2/5 है। अतः 1 और -2/5 2x+5y इजिकल टू जीरो का एक अन्य हल है। समीकरण 3y+4 इजिकल टू जीरो को पॉइंट x 3y+4 इजिकल टू जीरो के रूप में लिखने पर x के किसी भी मान को हमें y इजिकल टू -4/3 प्राप्त होगा। अतः हमें दो हल 0.04/3 और 1/4/3 प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ से मान देखा, समीकरण दो में निकाला था तो हमने यहाँ पर जीरो, और इसका भी वहाँ पर जीरो के रूप में लिखने पर हमने x के किसी मान को क्या लिया है, y को 4/3, और जीरो और 4/3 यहाँ पर 1, 4/3 को प्राप्त हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है यहाँ पर। देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। अब देखिए दिया गया है y इज इक्वल टू 3x+5 का फर्स्ट क्या दिया हुआ है, एक अद्वितीय हल है। सेकंड क्या दिया हुआ है, केवल दो हल हैं। और थर्ड क्या है, अपरिमित रूप में अनेक हल हैं। आइए देखते हैं हम किस प्रकार निकालते हैं। तो थर्ड वाला क्या है, अपरिमित रूप में अनेक हल हैं, ये इसका आंसर होगा। तो क्योंकि एक रैखिक समीकरण है, क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, और आप सब जानते हैं लीनियर इक्वेशन क्या है, एक रेखा पर परिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं। कोई भी रेखा आप यहाँ पर बना लेते हैं, चलिए, तो यहाँ पर अनेक ही बिंदु होंगे। तो एक जो लीनियर इक्वेशन होगी, कोई भी लाइन होगी, उस पर आपके क्या होंगे, बहुत सारे बिंदु होंगे। प्रत्येक बिंदु इस रैखिक समीकरण का एक हल है। तो जितने भी बिंदु होंगे वो एक रैखिक समीकरण के आंसर को निकालने के लिए इनफ होंगे। इतना आपको समझ में आया, तो हमारा ये वाला आंसर ठीक होगा, थर्ड वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के चार हल लिखिए। अब फर्स्ट वाला क्या है, 2x+y=7। सेकेंड आपको दिया हुआ है πx+y=9। पाई का मान क्या है, 7/22/7 दिया हुआ होता है, और कहीं पर इसका मान 3.14 भी दिया गया होता है। इतना आप सबको पता है वाली बात। और थर्ड क्या है, x=4y। इतना आपको सबको अच्छे समझ में आता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x+y=0 आपको दिया गया है, जहाँ पर आपका y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 7-2x, इतना आपको पता है। और x इज इक्वल टू 0 रखने पर तो y इज इक्वल टू 7-2 × 0, तो यहाँ पे आपका 7 ही आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया। अब अतः 0 और 7 समीकरण का एक हल है। तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर y इज इक्वल टू 7-2 × 1, तो यहाँ पर आपका 5 आ गया। अतः 1 और 5 समीकरण का एक हल है। अब x इज इक्वल टू 2 रख लिया हमने यहाँ पर, तो y 7-2 × 2, तो ये क्या हो गया, 3 आ गया। इस प्रकार आपका 3 आंसर आएगा। अतः 2 और 3 समीकरण का एक हल है, तो यहाँ 3 रख लेते हैं तो क्या मान आएगा आपका, -2 × 3, तो यहाँ 1 आपका इसका आंसर आएगा। अतः यहाँ पर 3 और 1 का एक समीकरण एक हल है। तो इस प्रकार यहाँ पर 0, 7, 1, 5, 2, 3 और 3, 1 समीकरण 2x+y=7 के चार हल हैं। तो हमारे इस प्रकार 1, 2, 3, 4, तो पहला आपका 7 आ गया, फिर आपका 5 हल आ गया, फिर आपका 3 आ गया, और फिर 1। तो ये आपके आंसर निकल कर आए हैं, 7, फिर आपका आया है 5, फिर आया आपका 3, फिर आया आपका 1। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है थर्ड, सेकंड दिया गया है यहाँ पर πx+y=9 दिया गया है। यहाँ पर y=9-πx यहाँ पर आ गया आपका, और y=0 रखने पर तो क्या हो गया आपका, y=9-πx(0=9). अतः यहाँ पर 0-9 समीकरण का एक हल है। यहाँ पर x=1 रखने पर y=9-πx(1=1 क्या आ गया आपका, 9-πx। इतना आपको समझ में आया। अतः 1, 9-πx समीकरण का एक हल है। अब x=2 रखने पर y=9-πx(2) क्या हो गया, 9-2π। इतना आपको समझ में आया। अतः 2, 9-2π समीकरण का एक हल है। अब क्या आ गया, x=3 रखने पर और y=9-πx(3), तो क्या आ गया आपका, 9-3π। अतः
नाइन थ्री माइनस थ्री पाई समीकरण का एक हल है, अतः इस प्रकार क्या होगा, जीरो नाइन वन नाइन माइनस पाई, ये क्या हो गया आपका नाइन माइनस टू पाई, क्या आ गया आपका यहाँ पर थ्री नाइन माइनस थ्री पाई। समीकरण पाई एक्स प्लस वाई इजिकल टू नाइन के चार हल हैं। कैसे हल हैं आपके चार, तो फर्स्ट में आपका ये आ गया निकलकर, सेकंड आपका नाइन माइनस पाई आ गया, थर्ड नाइन माइनस टू पाई आ गया, फोर्थ में आपका आ गया नाइन माइनस थ्री पाई। इस प्रकार आपके देखिए, फर्स्ट वाले में नाइन आया, सेकंड में नाइन माइनस पाई आया, थर्ड वाले में नाइन माइनस टू पाई आया, फोर्थ वाले में आपका नाइन माइनस थ्री पाई इसका आंसर निकल कर आया। तो इस प्रकार इसके चारों हल निकल कर आए, पहले नाइन फिर नाइन माइनस पाई फिर नाइन माइनस टू पाई या फिर नाइन माइनस थ्री पाई। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया गया है, एक्स इजिकल टू फोर वाई। तो एक्स इजिकल टू फोर वाई हमने ले लिया वाई इजिकल टू जीरो रखने पर, यहाँ पर हमने तो एक्स इजिकल टू फोर इंटू जीरो, तो जीरो ही आ गया। किसी भी चीज़ की आप इंटू जीरो में करेंगे तो आपका आंसर जीरो ही आएगा, अतः जीरो जीरो समीकरण का एक हल है। तो जीरो और यहाँ पर भी जीरो एक समीकरण का हल हो गया। अब वाई इजिकल टू वन रखने पर तो फोर इंटू वन क्या आ गया आपका, फोर आ गया इसका आंसर। अब यहाँ क्या इसके बन गए, यहाँ पर फोर और वन इसके समीकरण के हल बन गए, मूल बन गए। अब टू रख दिया तो फोर इंटू टू, तो ये एट हो गया। तो क्या बन गए आपके यहाँ पर, एट और टू समीकरण के हल आपके इस प्रकार बन गए। यहाँ पर हमने क्या रखा, वाई इजिकल टू थ्री रखने पर और एक्स इजिकल टू फोर इंटू थ्री क्या हो गया, ट्वेल्व। तो ये क्या हो गया आपके, ट्वेल्व और थ्री। तो वाई का मान जो होता जाएगा और हमारा ये एक्स का मान यहाँ पर निकलता जाएगा। इसी प्रकार बारह और समीकरण के एक हल हैं। तो क्या क्या मान निकले हैं आपके, जीरो जीरो फोर वन एट टू ट्वेल्व थ्री। समीकरण एक्स इजिकल टू फोर वाई के चार हल हैं। कितने हैं, चार हल हैं। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको थ्री दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन समीकरण x माइनस टू वाई इजिकल टू फोर के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब इनके करके देख लेते हैं कि समीकरण के हल हैं या आपके नहीं। तो फर्स्ट आपको दिया गया है जीरो टू, दिया है x माइनस टू वाई इजिकल टू फोर, x माइनस टू वाई इजिकल टू फोर और x इजिकल टू जीरो और y इजिकल टू टू रखने पर, यहाँ पर क्या हो गया आपका, टू इंटू टू माइनस फोर आपका बराबर नहीं है फोर के। तो समीकरण जीरो टू समीकरण के हल नहीं है क्योंकि बराबर नहीं हो सकते, अतः यहाँ पर आ गया टू और ज़ीरो हमने ले लिया यहाँ पर। तो दिया है x माइनस टू वाई इजिकल टू फोर, तो x माइनस टू वाई इजिकल टू फोर में हम क्या देखेंगे, x इजिकल टू टू वाई इजिकल टू जीरो रखने पर, तो आपका क्या आ गया, ये आपके बराबर नहीं है। तो ज़ीरो और टू भी समीकरण के हल आपके नहीं हैं। अब थर्ड वाला हम देखते हैं, देखिए फोर और ज़ीरो, तो दिया है x माइनस टू वाई इजिकल टू फोर, तो x माइनस टू वाई इजिकल टू फोर और x इजिकल टू फोर वाई इजिकल टू ज़ीरो रखने पर, तो फोर माइनस टू इंटू ज़ीरो इजिकल टू फोर आ गया आपका, अतः फोर ज़ीरो समीकरण के हल हैं। अब फोर्थ वाला देखिए क्या आ गया आपका, दिया गया है क्या, x माइनस टू वाई इजिकल टू फोर, एक्स माइनस टू वाई इजिकल टू फोर में x इजिकल टू अंडर रूट टू आ गया और y इजिकल टू क्या आ गया आपका, फोर अंडर रूट टू। अब एक्स आपका आ गया अंडर रूट टू माइनस टू इंटू फोर अंडर रूट टू, अतः सेवन अंडर रूट टू आपका बराबर नहीं है किसके, फोर के। अतः क्या आ गया आपका, टू फोर अंडर रूट टू समीकरण का हल नहीं है। फिफ्थ क्या आ गया आपका, वन और वन, फिफ्थ क्या आ गया आपका, वन और वन, दिया है x माइनस टू वाई इजिकल टू फोर, इतना आपको पता है। अब तो क्या आ गया आपका, x माइनस टू वाई इजिकल टू फोर में x इजिकल टू वन वाई इजिकल टू वन, तो क्या आ गया आपका, वन माइनस टू इंटू वन इजिकल टू माइनस वन बराबर नहीं है फोर के। इतना आपको समझ में आ गया, अतः वन वन और समीकरण के हल नहीं है। इतना आपको पता होना चाहिए कि वन वन समीकरण के हल नहीं है क्योंकि आपका बराबर नहीं आ रहा है। ये भी समीकरण के हल नहीं है, ये भी समीकरण के हल नहीं है, तो कोई सा भी आपका समीकरण का हल इसमें नहीं आ रहा है। अब देखिए फोर्थ वाला देखते हैं, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि एक्स इजिकल टू टू वाई इजिकल टू वन, समीकरण क्या हो गया, टू एक्स प्लस थ्री वाई इजिकल टू के का हल की हो क्या होगा। अब दिया है एक्स इजिकल टू टू वाई इजिकल टू वन, अब टू एक्स प्लस थ्री वाई इजिकल टू के में
x इज इक्वल टू टू, y इज इक्वल टू वन रखने पर, तो हमने इसका मान यहाँ पर रख दिया, टू इंटू टू प्लस थ्री इंटू वन इज इक्वल टू के, तो k का मान आपका क्या आ गया यहाँ पर निकल के, इज इक्वल टू सेवन। इतना आपको समझ में आया? तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम किस प्रकार लीनियर इक्वेशंस के मानों को रखकर निकाल सकते हैं, और हमने उससे बेस कुछ उदाहरणों को भी किया। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।